दुनिया में सभी हंसते हैं और हंसते ही हंसते घर बसते हैं, मगर ये कहानी इन अनोखे साथ की है जो जिंदगी में कभी नहीं हंसे। आपका नाम श्री शेखर है जो अभी ताजे ताजे विलायत से टपक रहे हैं। यह है इनकी पुरानी हवेली, जिस बदनसीब को जी भर के हंसना कभी नसीब ना हुआ। इनके आते ही नौकर सलामी देने लगे। आपसे मिलिए इस घर की सबसे ऊंची चट्टान, जिसने इस ज्वालामुखी को जन्म दिया है। यह है इनकी माताजी। याद है तुम कहा करते थे, खिलाओ बच्चों को सोने का निवाला, मगर देखो शेर की नजर से आज तक इस घर में तुम्हारा वही वसूल कायम है। क्या सच बात कही थी तुमने कि बच्चे हंसने से आम बच्चों की तरह छिछोरे और रोने से बुजदिल बन जाते हैं। और माँ, विलायत के बड़े बड़े लॉर्ड्स और बिजनेस मैग्नेट्स मेरे बिजनेस स्टाइल को देखकर दंग रह गए और तब कर मुझसे पूछने लगे कि मेरी कामयाबी का राज क्या है। मैंने जवाब दिया, माँ की तालीम, खानदान का ना हंसने का असूल और पिताजी का आशीर्वाद। पिताजी, जब मैं विलायत पहुंचा तो बिजनेस के चांसेस 0% थे, लेकिन मैं रोया नहीं। उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक के 100% चांसेस मेरे फेवर में नहीं हुए। शेखर, तेरे आखिरी बयान से अपनी तारीफ की बहुत ज्यादा बू आ रही है। लेकिन माँ, अपनी इतनी तारीफ तो तुम कहती हो पूरी नहीं। ये इतनी से जरा ज्यादा उतनी हो गई है तारीफ। तो फिर मैं अपने कुछ अल्फाज वापस लेता हूं। ये थी माँ और बेटे की 3 साल के बाद प्यार भरी मुलाकात, प्यार जो इस बदनसीब माँ को शायद कभी नसीब नहीं हुआ। शौहर से उसूल मिले, बच्चे मिले, बड़ा घराना मिला, इसने भी बच्चों को सब कुछ दिया मगर प्यार न दे सकी। इस घर में खूबसूरत मैना भी रहती है जो बदकिस्मती से इस लड़के की बहन है। ये माँ और भाई से तबीयत में बिल्कुल अलग है। इसके दिल में जवानी की उमंगे मचल रही है, ये मोहब्बत की दिल फरेब मंजिलों से गुजर रही है। मोहब्बत जो इंसान का पैदाइशी हक है, ये हंसती भी है और मोहब्बत भी करती है, मगर चोरी चोरी डरती है कि अगर माँ और भाई को मालूम हो गया तो जान की खैरियत नहीं है। वाले, अगर उन्हें देख लिया तो गोली से उड़ा दिए जाओ। इसीलिए तो सर से कफन बांध के आया। माला, आखिर हम चोरी चोरी इस तरह से कब तक मिलते रहेंगे? तुम अपने भैया से क्यों नहीं कह देती कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, तुम उससे शादी करना चाहती हो?
जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो उनके ऑफिस में क्लर्क है, तो बस उस दिन हम दोनों की जान की खाली। मैं मरने से नहीं डरता माला। मैं देखने में कमजोर जरूर, लेकिन दिल पाया है महाराणा प्रताप का, जिगर पाया है शहजादा सलीम का, और गुस्सा पाया है चंगेज खान का। याद है? अरे बारे बात चंगेज खान भैया आ गया। अरे बाप रे, इस देश के लिए नहीं माला, क्या करूं, तुम्हारा भाई मेरा होने वाला साला नहीं तो लेट हो गया, सिर्फ 10 सेकंड। मैं नहीं चाहता इस ऑफिस में कोई 1 सेकंड भी देर से आए। यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक, गेट आउट। यस, कौन रीटा? आपका सेक्रेटरी सर। माय सेक्रेटरी? हम इधर हॉस्पिटल से बोलते हैं सर, हमारे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, हमको एक दिन की छुट्टी मांगता है। नो, फौरन ऑफिस चलिए वरना हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। आई एम सॉरी बॉस। What sorry? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के एक्सीडेंट का ऑफिस से कोई मतलब नहीं। रोमांस करना तो नौकरी छोड़ दो, समझी? नो बॉस, नो। शेखर? यस मैनेजर। इससे गलती हो गई है, अब माफ कर दो। नॉनसेंस, लेट आने से जो काम में हर जो है उसे कौन पूरा करेगा? वो हम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। शाम को देर तक बैठकर हम काम खत्म करके जाएंगे। नो, मैं नहीं चाहता कोई भी 1 सेकंड देर से आए या 1 सेकंड देर तक काम करे। I want discipline. Understand? Discipline. Secretary, मेरी Hong Kong की फाइल लाओ। Manager, you can go. Go. Manager, देखिए कलकत्ता ऑफिस को फोन करके हमारा सिंगापुर का माल भिजवा दीजिए। जी। Manager. देखो शेखर, मैंने बचपन में तुम्हें गोद खिलाया है और तुम हमेशा प्यार से मुझे चाचा जी कहा करते थे। अगर अब भी तुम What nonsense? This is my office. तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मैंने इस दफ्तर को हमेशा अपना घर ही समझा है। बेहतर हो आप इसे मेरा ऑफिस ही समझिए। जाइए काम कीजिए। Don't waste my time. अमन,
कमाल साहब को तो बात तक करने की तमीज नहीं। मजबूरी न होती तो इसके यहाँ नौकरी कौन करता? जब विलायत में था तब मैनेजर साहब ने रात दिन मेहनत करके इस कंपनी को चलाया, अब उनसे भी ऐसी बातें करता है जैसे खा जाएगा। ब्रूट। कहाँ जा रही? माँ मैं जरा ऐसे ही। तुम जरा ऐसे नहीं वैसे जा रही, वरना जूते हाथ में नहीं पैर में होते। माँ पैर में जूते काट रहे थे इसलिए हाथ में ले लिए। जानती हो जूते कब काटते हैं? जब पैर में छोटे हो जाते हैं। नहीं, जब पांव बड़े हो जाते हैं और गलत रास्ते पर उठने लगते हैं। फिर इस तरह जाने की कोशिश की तो पांव काट दिए जाएंगे। जाओ अंदर जाओ। लाल सिंह सरकार, जब तक मेरा हुक्म न हो कोई बाहर न जाने पाए। जो हुक्म। शुभ घड़ी देखकर शेखर राजकुमारी को देखने आ जाए तो शादी की मुबारक रस्म अदा कर दी जाए। राजा साहब से कह दीजिए शेखर की शादी राजकुमारी से जरूर होगी। शेखर के पिताजी ने जो वचन दिया था उसका पालन करना हमारा धर्म है, लेकिन शेखर एक जरूरी काम से कश्मीर जा रहा है इसलिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दीजिए। 15 जनवरी
अगर हो सके तो ये शुभ घड़ी इतना आगे बढ़ाने की बजाय कुछ पीछे हटा ली जाए। हमारे घराने में कोई भी चीज आगे बढ़ाने के बाद पीछे हटाने का दस्तूर नहीं। जो तारीख तय हो गई हो गई। क्योंकि हमारे घराने में ये रस्म है कि खाली हाथ नहीं जाया करते, इसलिए महाराजा पिता ने शेखर के लिए एक तलवार भेंट भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू। और हमारे घराने की भी ये रस्म कि तोहफा देने वाले को खाली हाथ नहीं भेजा करते। ये हार हमारी तरफ से राजकुमारी को पहना दीजिए और ये 10,000 रुपया राजकुमारी पर से सत्ता करके गरीबों में बांट दीजिए। जो हुकुम। हाँ मैं भूल रहा हूँ, आपका कितना कर्जा देना है? जी 40,000। ये लीजिए और बाकी का शादी। ये शादी कब होगी? 15 जनवरी के बाद। याद रखना ये तारीख, अगर 15 जनवरी के बाद सब कर्जा अदा नहीं हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे छज्जू चाचा करते क्यों हो? आखिर मैं भी आमगढ़ का राजकुमार हूँ, तुम्हारा कर्जा तो चुकाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये फिलहाल ये रखिए, ये आप भी लीजिए। ये मिस्टर मेरे घड़ी तो वापस देते जाओ। ओह ब्रदर आई एम रियली वेरी सॉरी। ये लो। जी हाँ, ये फिलहाल आप अपना हार रखिए, मुझे फिर जरूरत पड़ेगी, और बाकी शादी के बाद। पिताजी तलवार कितने में बिकी? मानता हूँ पिताजी वो तलवार का आइडिया काट गया। थाना जीनियस टच। आखिर आप पिताजी किसके हैं? पिताजी जो खानदान शादी से पहले 25,000 की भेंट दे सकता है उस खानदान के पास दौलत की क्या इंतहा होगी। 15 जनवरी शेखर के आने का दिन तय हुआ है और उसके बाद हमारी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। भैया 15 जनवरी? हाँ हाँ 15 जनवरी। उस वक्त तक क्या कर्जदार बैठे रहेंगे? फिलहाल मैंने उन सबका मुंह बंद कर दिया है। और ये देखो शेखर की माँ ने तुम्हारे लिए ये हार भेजा है। बहुत खूबसूरत है, शादी के बाद न जाने कितने ऐसे हार होंगे मेरे पास। जरा देखो मैं भी। देखिए 15,000 से कम का नहीं होगा। आप दोनों के पास रहा तो जरूर बिक जाएगा और फिर हो चुकी मेरी शादी। देखा उसने ठीक ही किया पिताजी, कहीं ये शादी रुक गई तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। पिताजी तो किन हालात में से गुजर रही है? फॉरेन एक्सचेंज दूसरी टेक्निकल मुश्किलात की वजह से कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है ताकि आप कंपनी के हालात से वाकिफ हो सके। आप जानते हैं कंपनी का क्या हाल है? जी हाँ। खास जानते हैं। कंपनी के हालात को देखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि आप सबको 3 महीने का। हेलो यस नोटिस। नौकरी चली गई तो मर जाएंगे। आई एम बिजी, 2 मिनट के बाद फोन करना। हाँ मैं क्या कह रहा था, आपको मालूम है कंपनी का क्या हाल है? जी नहीं। और कभी नहीं मालूम होगा। कंपनी के हालात को देखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि आप सबको 3 महीने का बोनस मिलना चाहिए। क्वाइट, नो क्लैप्स, नो तालियां, मुझे काम चाहिए। आई वांट वर्क, गेट आउट एंड गेट बिजी। लिहाजा मैंने कहा है कि हमें ऑफिस खोल लेना चाहिए होनोलुलू में, उसके लिए मुमकिन है मुझे जाना पड़े। आजकल बिजनेस का ट्रेंड। व्हाट नॉनसेंस, पगड़ी कहा है? पगड़ी 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 लाता हूं। पगड़ी सर पर रखो, से रखो पगड़ी सर पर रखो।
और देखो जब भी हम लोगों को खाना खिलाना हो तो सर पर पगड़ी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों को खाना हजम नहीं होता, समझे? माला, अगर मैं आज तुम्हारी माताजी से कह दूं कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, एक गोली की आवाज आएगी और तुम गंगा घाट की सैर कर रहे हो। इसीलिए ना कि मैं गरीब हूँ। काश मेरे पास आलीशान बंगला होता, दौलत होती, नौकर होते, चाकर होते, तो मैं सीना तान करता। माला मेरी, माला मेरी है, माला जीवन जी मैंने ये क्या हो रहा है? जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जरा अपनी औकात देकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, हो सकता है कि सांस ही वापस ना आ सके, समझे? जी क्या कहना चाहते? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माला बिटिया के कदम डगमगाने लगे। जी मेरा मतलब है अभी उसकी उम्र ही क्या है? उम्र का हिसाब इस घर में नहीं रखा जाता, 5 साल के बाद बच्चे बूढ़े सब बराबर समझे जाते हैं। साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी बिटिया के ऊंचे कदम नीचे जगह गिरने लगे, वो एक नौजवान से प्यार करने लगी। प्यार इस घर में? हर कसूर माफ किया जा सकता है मगर ये गुनाह इस घर में कभी। ऐसे एक उसूल ये भी है, बात छिपाओ मत, कह जाओ मगर नाम न लो वरना शिकायत समझी जाएगी। आपको नाम बताना ही पड़ेगा। इजाजत है आपकी, तोड़ दूं इस घर के उसूल। शेखर तुम्हारे पिताजी के कायम किए हुए उसूल मेरे जीते जी नहीं तोड़े जा सकते। तो फिर माँ ये फैसला क्यों कर होगा? इसकी जिम्मेदारी कहने वाले पर समझी जाती है। मैनेजर साहब। जी जी हाँ, देखिए आप तो 20 दिन के बाद कश्मीर जा ही रहे हैं, बेहतर होगा कि माला बिटिया को भी साथ ले जाएं और आप ये ट्रिप जरा जल्दी अरेंज कर लें। कितनी जल्दी? जी परसों। नहीं कल। कुछ महीने कश्मीर रहकर माला बेटिया इन सब बातों को भूल जाएगी। जी बिल्कुल भूल जाएगी। आपसे एक्सप्लेनेशन कौन पूछ रहा है? इस घर में जो बात कही जाए अल्फाज कम हो और मतलब बहुत ज्यादा। तुम लोगों ने मुझे बुलाया है? मैनेजर साहब कल सुबह कश्मीर के लिए प्लेन से 2 सीट बुक कर लीजिए, माला और शेखर जा रहे हैं। कश्मीर? जम्मू से 200 मील दूर कश्मीर। मैं कश्मीर क्यों जा रही हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? सारी दुनिया से लोग कश्मीर जाते हैं, क्या सबका दिमाग खराब है? मगर मेरा कसूर क्या है तुम्हें बताना होगा, ये मेरा जाती मामला है। भगवान करे आज की रात सुबह न हो। शेखर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? हम लोग कश्मीर घूमने चल रहे हैं। उनसे कह दो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैम साहब कश्मीर वो तारीखी जगह है जिसके लिए शायरों ने क्या खूब कहा है, अगर कोई जन्नत है जमीन पर तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। बस अफसोस इस बात का है कि ये जन्नत जहन्नम बन जाएगी, बर्फ में आग लग जाएगी, फूल अपनी अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे और चारों तरफ एक ही आवाज आएगी। क्या? भागो,
शेखर भैया आ गए, भागो शेखर भैया आ गए, भागो शेखर भैया आ गए, शेखर भैया आ गए, शेखर भैया। मालूम होता है माँ बाप ने कोई तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें। गोला तो मैंने बहुत ताक के मारा था। तो फिर मुझे किस तरह पड़ा? हाँ शायद बेचारा गोला धोखा खा गया। आप भी फुदक पे जा रहे थे, बंदर भी फुदक पे जा रहा था। मैं तुम्हें बंदर नजर आता हूँ है? अजी आपके मुंह पे हाँ कैसे कहूँ, आप समझेंगे खुशामद कर रही हूँ। बदतमीज लड़की, मैं तुम अभी देख, इतना मना किया था बंदरों से मत लड़ा था, काट खाया ना किसी बंदर ने? पिताजी आज तो एक बहुत बड़ा जुगादरी बंदर मिल गया था। जुगादरी बंदर? हाँ। कश्मीर में कैसे आया? आया नहीं, कहीं से लाया गया है। ओहो कितना पैसा लोग वेस्ट करते हैं जुगादरी बंदर। सूट पहना है? अपने अपने शौक है बेटी। पिताजी मेरी गुड़िया पड़े पड़े बूढ़ी हो गई है, आपने एक गुड्डा लाने का वादा किया था ना। अब तो मैं इस घर में एक बंदर लाने के फिक्र में हूँ। बंदर काहे के लिए? मेरी ये बंदरिया भी तो बड़ी हो गई है ना। पिताजी जा मेरे बचपन कहीं जा।
ऐसे हालत में आप आना चाहिए साहब, मुझे बहुत नाराज होंगे। मैम साहब, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मेरे दर्द क्यों रहता है? इस जमाने में ऐसा होता है, इट इज क्वाइट नेचुरल। आई थिंक दिस इज द सिक्स्थ मंथ, बस 3 महीने की और तकलीफ है। क्या मतलब? मेरा ख्याल है ये आपका पहला बच्चा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ी देर आराम करो, मुझे पता बता दो, मैं तुम्हारे भाई को यहीं बुलवा लेता हूँ। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटी, थोड़ी देर यहाँ ठहर जाओ, तबीयत ठीक हो जाए फिर चली जाना। हाँ, तुम्हारे भाई का नाम?
मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। वाकई बड़ी गलती हो गई। चलो फिर से ढकेल लो। मजाक छोड़ो राज, ये बात कब तक छिपी रहेगी? जब तक मेरे दम में दम है। नहीं, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती। मेरे भैया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कहाँ रहते हैं तुम्हारे भैया? डल्ले गेस्ट हाउस गुलमोहर। अच्छा, अभी फलक को पड़ा दिन जलों से काम नहीं। तुम्हारे भैया को ठीक ना कर दूं तो राज ना मिले। पता चला लीजो? अभी नहीं सर। मेरे पीछे पीछे क्या चक्कर लगा? जी नहीं। मैं क्यों देख रहा? आए क्या मुसीबत है? दर्जे को कहां गई वो? चलो चलो। मैं अंदर आ सकती हूँ? बंदर, यू तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे कुछ ऐसी बेतहाशा सी मोहब्बत हो गई है कि बार बार आपकी सूरत देखने को दिल तड़प उठता है। और आपकी हंसी, सुभान अल्लाह, ना जाने कितनी लड़कियों की जान लेगी ये हंसी। मैं तो लेक में फेंक दूंगा। यही अदाएं तो कातिल हैं। जरा फिर से कहिएगा यही जुमला। आलीजू। जी सरकार। इस पागल लड़की को घर से निकाल दो। आलीजू, इस पागल को आगरे के पागल खाने भिजवा दो। आलीजू, आलीजू, इस बेचारे को ये भी नहीं मालूम कि इसकी बहन बेहोश। इस पागल लड़की से पूछो मेरी बहन कौन से अस्पताल में है। अली जी, इनसे कहो कि पहले लड़कियों से बात करना सीखें। सरकार, ये अस्पताल का वक्त नहीं है। तो फिर कब? 4 बजे। इनसे कह दो कि ठीक 4 बजे चिनार बाग में मिले। राजकुमारी जी इंतजार फरमाएंगे। राजकुमारी जी, आप कहाँ की राजकुमारी हैं? मैं कहीं की राजकुमारी नहीं, मेरा नाम राजकुमारी। सरकार, ये कहीं की राजकुमारी? क्या? फूल, कितने खूबसूरत फूल। मुझे फूल पसंद नहीं। आपके लिए नहीं, आपकी बीमार बहन के लिए। किसके लिए भी हो, मुझे फूलों से नफरत है। फिर सोच लीजिए, रस्मी दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। नहीं नहीं। अच्छा, तो मैं आपकी हाँ का इंतजार करती हूँ। चलो सीधा चलो, मैं तो हॉस्पिटल का रास्ता बता दो। फूल, डैम फूल। जी नहीं, गुलाब के फूल। माला, तुमने सिर्फ अपनी जिद की वजह से यह हालत बना ली। अगर उसी दिन मेरा कहा मान लेती तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। साइलेंस प्लीज। ये फूल लो। ये फूल तुम लाए हो भैया? तुम्हारे भैया को फूलों की बड़ी पहचान मालूम होती है। देखो कितने खूबसूरत फूल चुन चुन के लाए तुम्हारे लिए। बड़े अच्छे फूल हैं। मेरा ख्याल है पिछले जन्म में माली जरूर रहे होंगे। नॉनसेंस। माला, तुम्हें हुआ क्या है? कब तक ठीक हो जाओगी तुम? भैया, ये तो डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। कहाँ है डॉक्टर? जी वो जरा दाहिने से बायां, फिर बायां से बायां, उस कमरे में है। अब मैं मानती हूँ तुम मेरे भैया को जरूर ठीक करोगे। ये तो एक भैया है, 10 भी हो तो उनको भी ठीक कर डालो। लड़की को जिंदगी में एक को ही ठीक करना चाहिए। क्यों? मोहब्बत सिर्फ एक से होती है। मोहब्बत? और इस पत्थर से? तुम चाहो तो इस पत्थर को भी तराश के पैमाने बना सकती हो। ले
लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया नहीं कि और कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में। काफी कमजोर है, एक महीना भी लग सकता है, तीन महीना भी। लेकिन इतनी कमजोरी कैसे हो सकती है? गुड फूड, बिग हाउस, बिग गार्डन, रोलिंग इन मनी। जिंदा रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आप भूल ही गए, सिर्फ दो, हंसी और खुशी। ये लीजिए आप। साहब 500, 500, 2000 रखिए आप, मेरी बहन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये इतने रुपए आप क्यों दे रहे हैं? मुश्किल से 500 रुपए का काम है। माला, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। सब कुछ? हाँ, कहता है थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाओगी। भैया माँ को न लिखना, कहीं घबरा कर यही ना आ जाए। क्यों भी चली, मैं अपना कीमती वक्त जाया नहीं कर सकता ऐसी मामूली चिट्ठियां लिखकर। अच्छा मैं जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा। कितनी बार आपसे कहा जाए कि 4 बजे से पहले नहीं आ सकते। माला, मुझे ये लड़की मक्खी की औलाद लगती है। सुबह उड़ाओ फिर मौजूद, शाम को उड़ाओ फिर मौजूद, मुझे ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन इसने मेरी जान बचाई है भी। तुम्हारी तो जान बचाई है लेकिन मेरी जान पर उतराई है ये कम वक्त। दफा करो से दफा करो, मैं जा रहा हूँ, कल ही लड़की यहाँ मौजूद ना हो समझी। अच्छा। फिर आऊंगा 4 बजे के बाद। तुम यहाँ भी आ गई हो? इन कमबख्त मक्खियों की आदत ही ऐसी होती है, इतनी बार उड़ा फिर आ जाती हैं। लेकिन आज आप मुझे देख के नाराज नहीं हुए? वही हसमुख चेहरा, वही सीधी सादी बातें। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। गेट आउट। जाओ, कैसे मेरे पैर दुखते हैं। मुझे क्या मालूम, मुझे पूछ के आए थे क्या? इस दुनिया में बाबूजी ना कोई पूछ के आया है और ना कोई पूछ के जाएगा। इडियट। गई तो फिर न फिरूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
भी नहीं। कोई बात नहीं, दो एक दिन की तकलीफ और है। पिताजी साइंस में कोई अच्छी तरकीब नहीं, आप बता सके लड़का होगा कि लड़की? अरे मौका देखती है न महल, जो मुंह में आता है वही बक देती है। सबसे जरूरी काम तो ये है कि उस शेर को तराई में भेज दिया जाए। शेर नहीं पिताजी, मच्छर है, एकदम मच्छर। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि अब तो माला की हालत छिपाई नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल शेखर को मालूम हो ही जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब, भैया की एक आदत बड़ी अजीब है, अगर उन्हें किसी काम से डरा दिया जाए और बुद्धि कहे तो वो हजार काम छोड़कर वो काम जरूर करेंगे। I've got it. Man, I've got it. शेर हो या बकरा, बंदर हो या कौवा, तुम झूठ ही लेंगे कहीं ना कहीं। बच्चा बेटा, खुद बच्चा, बड़ों को बच्चा और बेटा कहते तुझे शर्म नहीं आती है? हम संसारी लोगों का कहने का बुरा नहीं माना करते बच्चा। फिर बच्चा, मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, समझे? मगर हमारी नजर में तू बिल्कुल दूध पीता बच्चा है। अरे आठ इनको क्यों सुबह सुबह मरने आया है तू? है तुझको जिलाने आए हैं बच्चा। तेरी बहन का मंगलवार बुधवार से टकरा रहा है और वो बहुत बीमार है बच्चा। छुपाने की कोशिश मत कर बच्चा, नहीं तो तू अंधा। एक लड़की है जो तुझे रात दिन तंग किया करती है, और याद रख वो तुझे झुका के ही रहेगी। ऐसा आगे से हो सकता? क्या तू भगवान से लड़ना चाहता है बच्चा? फिर क्या होगा महाराज? कुछ नकदी हाथ पर रख, उपाय बता दिया जाएगा बच्चा। इतना नहीं, सिर्फ 1 रुपया। शाबाश बच्चा। हाँ तो अब सुन, तुझे शेषनाग जाना होगा बच्चा।
और वहाँ के पुराने मंदिर में 15 दिन तक माथा टेक कर पूजा करनी होगी। उसके बाद महाराज? तेरा कल्याण हो जाएगा बच्चा। मैं अभी जाता हूँ महाराज। ए, जाता कहाँ है? पहले इसको प्रणाम कर। अब तेरा कल्याण हो गया बच्चा। शेर हो या बकरा, बंदर हो या कौवा, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। बच्चा, बेटा, तेरा तो कल्याण हो गया बच्चा। बेटा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? महाराज, वो तो बड़े हॉस्पिटल में गए हैं। बड़े हॉस्पिटल गए हैं? जी। क्यों बेटा? सुना है शेषनाग में बहुत बड़ा तूफान आ गया है, 3-4 मौतें भी हो गई हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? राज, सुने तो राज। स्वामी जी, ये आप बोल रहे हैं या आपकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है? हम हमेशा तेरे ही साथ रहते हैं बच्चा। आप मेरे सामने क्यों नहीं आते स्वामी जी? जब जरूरत होगी तो सामने भी आ जाएंगे बच्चा। इस समय तू सिर्फ हमारी आवाज सुन रहा है। अभी शेषनाग मत जा बच्चा। सोमवार बता रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तेरी जान खतरे में है बच्चा। अगर तू जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। फौरन घर लौट जा बच्चा। तो तुम हो बच्चा है? अब तो मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा बच्चा। तुम्हें दिखा के रहूंगा कि बदतमीजी को क्या नतीजा हो सकता है। मैं इस मजाक की माफी चाहती हूँ। शीशनाग में सचमुच बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहाँ न जाइए, वहाँ जान का खतरा है। यहाँ भी तुम कौन सा जीने दे रही हो? चलो, मेरा हाथ तो छोड़िए। आप एक शरीफ आदमी, समझ सकते मैं आपके साथ अकेली नहीं जा सकती। तुम अकेली एक शरीफ आदमी को बर्फ के गोले मार सकती हो? तुम अकेली उसकी जिंदगी हराम कर सकती हो? और तुम अकेली समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपने बाप की एक ही लड़की हूँ। मैं मर जाऊंगी तो आपको क्या मिलेगा? तुम मान लो कि तुम बुजदिल हो। हाँ, मैं बुजदिल हूँ। मेरा बाप बुजदिल और सुना मेरा दादा भी बुजदिल था। अब तुम मान जाइए प्लीज। मैं कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। याद रखो, हंसने वालों को कभी कभी रोना भी पड़ता है बच्चा। चलो।
पहले आप बाहर जाइए। जाइए। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। बदतमीजी की हद। आली जो कमबख्त ने खाने के साथ प्लेट और चमचे नहीं रखे। आप खाना खाना चाहते हैं या चमचे और प्लेटें? फिर वही बदतमीजी। जाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। मत खाइए, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाती हूँ। खाओ खाओ। खड़े खड़े नजर क्या लगा रहे हैं आप? भूख लगी है तो खाइए। तुम समझते हो इस दिन खाना नहीं खाने से मैं मर जाऊंगा क्या? जीने की गुंजाइश कम है, मरने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्या पराठा है? आलू की भाजी, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल है जान लेंगी ये चीजें। क्यों साहब बहादुर, आप सचमुच कुछ नहीं खाएंगे? नो। अच्छा, अगर कुछ नहीं खाते तो ये एक हरी मिर्च खाकर पानी नहीं पी लेंगे? लाख लाख शुक्र है भगवान, आखिर सलीका से खा ही दिया तुम्हें। अब खाने पर और मुझ पर रहम फरमाइए, तूफान के तेवर बहुत बुरे हैं, न जाने यहाँ कब तक मरना होगा। पानी पर जोर ज्यादा दीजिए और खाने पर कम। नॉनसेंस। ये नॉनसेंस का लफ्ज आपने कितने खाबों में सीखा है?
ये सुबह का मंजर भी क्या कयामत का हसीन है। तकिया है कहीं, सुल्फ कहीं, खुद वो कहीं है। जैसे तूफान में घिर गया हूं जिससे निकल नहीं सकता। ये तो मैं भी जानती हूं। तुम कुछ नहीं जानती। हम बड़े बहादुर बनते, इतना सा तूफान नहीं रोक सकते। यही कोशिश कर रहा हूं। क्या कोशिश? देखो तुम चली जाओ यहां से, मैं इन बातों का बिल्कुल आदी नहीं हूं। किन बातों का? माता जी सुनेगी तो क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? कह दीजिएगा कि तूफान किसी की बस की बात नहीं हुआ करती। इस तूफान से फंस गए थे, क्या करते, मर जाते? तुम चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल बच्ची हो। क्या पढ़ रहे हैं आप? कविता। आप और कविता? बड़े तूफान की बात है। इस दिल में इतने तूफान छुपे होंगे ये मैं खुद भी नहीं जानता था। क्या इस किताब में लिखा हुआ है? जी, एक शेर सुनिए। आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब, आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब, एक हिर फिर के मोहब्बत ही का नाम आता है। क्या खूब शेर है। एक दूसरी गजल का शेर सुनिए, क्या खूब लिखा। सुनाइए। इस तूफान से बिल्कुल मिलता जुलता, कहता है दो तेज हवाओं की बुनियाद है तूफान पर, दो तेज हवाओं की बुनियाद है तूफान पर, या तुम न हंसी होते। हुस्न और इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, शमा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। कल तक मुझे इसी से नफरत थी, इतनी खूबसूरत लड़की से, इतनी भोली, इतनी मासूम। कल तक मैं इसे जंगली समझती थी, और आज आज मुझे ये क्या हो रहा है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? क्या इतना जालिम आदमी भी प्यार कर सकता है? कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी जालिम पर प्यार आया। प्यार और इस पत्थर से? तुम चाहो तो इस पत्थर को तराश कर पैमाना बना सकती हो।
चाहे तो इन आंखों की टपकती हुई मस्ती पत्थर को तराशा हुआ पैमाना बना दे। ओ, क्या जुल्म कर रही है आप? क्या पराठा है? उफ़ ओ, आचार। मेरे ख्याल में जान लेके रहेंगे एक दिन यही चीजें। मुझे भी खाने दीजिए ना। रहम कीजिए, तूफान के तेवर बहुत बुरे हैं। आप खाने पे कम जोर दीजिए और पानी पे ज्यादा। पानी पीजिए। नॉनसेंस। ये नॉनसेंस का लफ्ज आपने एक ही फाके में सीख लिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है, ले लीजिए। हरे हरे रूप देखिए। बदतमीजी नहीं कर। मालूम होता है कि अब ये तूफान हमारी जान ही लेकर जाएगा। और मैं अपना ये गुनाह सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जा रही है। नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, दोष तो मेरा है। जिंदगी में सब कुछ दिया है, सिर्फ एक मोहब्बत नहीं दी थी। अब दे दी है तो दे के वापस लेना तुम्हारी शान नहीं। राज को बचा लो भगवान, इस तूफान को रोक लो। तुम्हारी सौगंध खातों पर सारी जिंदगी तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा भगवान, और कुछ नहीं मांगूंगा। है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मिलते हैं नैन से नैन, एक मुद्दत से ये तूफान मेरे सीने में थे बेचैन, क्या छुपाऊं क्या छुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन। सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं, सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहां से वहां जैसे ये कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। रास्ता वही है, नाम बदल गया। आए थे नफरत के रास्ते से और आप पहुँचे हैं प्यार के रास्ते। न जाने क्यों मेरी तबीयत घबरा रही, दिन चाहता है उठ के घर पहुँच जाऊँ। कोशिश तो की जा रही है तबीयत बहलाने के लिए। और फिर भी ना बहले तो क्या समझना चाहिए? तो समझना चाहिए मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। शेखर वो मंदिर है ना, वो कश्मीर का बड़ा ही मशहूर मंदिर है। अच्छा? हाँ, वहाँ जो लोग मांगते हैं वो सब मिल जाता है। हमें तो देना था दे चुका है, अब उसके पास धरा ही क्या है। तुम भगवान के लिए ऐसा कहते हो? कुछ शराब पी है तुमने? आंखों से पिलाने वाले पूछ रहे हैं कि शराब पी है तुमने? मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी
जबकि मैं इंसान बन गया हूँ। पिताजी कहा करते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर इंसान होता है। What nonsense! तुम इतने दिन मेरे साथ अकेली रही, तब डर नहीं लगा? जब तुम इंसान थोड़ी थे। गलत फहमी में मत पड़ो, तुम्हारी कसम इंसान में अब भी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हो? आशिक। माला, तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? पहले तुम ये बताओ कि लड़का हुआ कि लड़की? बताओ ना तुम्हें मेरी कसम। लड़का। लड़का? अरे माला, मिठाई दी हो गई तुम्हारी तरफ। कैसी मिठाई? किसका लड़का? वो जब मैं यहाँ से गई थी ना, एक अरब खातून अस्पताल आई थी जिनका बच्चा होने वाला था। माला कहती थी लड़की होगी और मैं कहती थी लड़का। मैं जीत गई। मेरे ख्याल से मैं जीत गया। माला, माला आज तुम्हें डबल मिठाई बांटनी चाहिए। माला, मेरा मतलब है कि आज तुम हम दोनों को जिंदा देख रही हो। माला जरा सोचो, अगर दो चार रोज और तूफान ना रुकता तो हम लोग तो ठिकाने लग गए थे। हैं माला? खुशी और फूल। थैंक यू भैया, मगर अब न जाना, कहीं फिर से तूफान ना आ जाए। माला, जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तो देख चुका हूँ, अब छोटे मोटे तूफानों से कौन डरता? मैं डरता हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बच्चे नहीं हो, जवान हो चुके हो। कभी ये भी सोचा है लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि ये एक इत्तेफाक था डॉक्टर साहब। तुम्हारे इत्तेफाक कह देने से बात नहीं बनती है साहबजादे। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। ये किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं ये कहूँगा कि वो अभी बच्ची, समझ भी नहीं सकती क्या चाहती और क्या नहीं चाहती। और अगर मैं ये कहूँ कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो मुझे बंबई जाना पड़ेगा तुम्हारी माता जी से बात करने। माँ जी, मैं मतलब है कि कोई जरूरत ही नहीं, वैसे मैं खुद ही बंबई वापस जा रहा हूँ। मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा और आपको तार देकर बुलवा लूंगा। क्यों जी, आपको पसंद आई हमारी पसंद? अरे इसमें शेरवानी की कौन सी बात है? फौरन वापस जाना चाहिए, कल की सीटें बुक करवा लो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा। फिर भी न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। हंसने का मतलब? मतलब यह है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, और जानते हो जब प्यार किसी से होता है तो दिल की उलझने और भी बढ़ जाती है। शेखर, तुम मेरी दिल की हालत नहीं समझोगे। मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ एकदम से मिल गई, इसलिए मैं डरती हूँ। मुझे मेरी किस्मत पे भरोसा नहीं। लेकिन मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा है, मुझसे ये खुशियाँ कोई भी नहीं छीन सकता। सच कहते हो? खाओ मेरी कसम। तुम्हारे सर की कसम। अब हंस दो, हंस दो मिस्टर। कल तुम जा रहे हो, आज मुझे हंसने के लिए कहते हो? हाँ राज, क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें पा लिया। इस खुशी के बज़्म में क्या काम है रोने वालों का। आओ राज, जाने से पहले की चंद घड़ी हम हंसी खुशी से गुजार। आओ। Thank you.
जाना महफिल से, ओ कैसे जाओगे निकल कर दिल से, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, ओ दिल पर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, याद आएगी ये बातें तुम्हारी, तड़पे की मोहब्बत हमारी, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। जाना महफिल से, ओ कैसे जाओगे निकल कर दिल से, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। चंचल ये हसीन रात, हाय काश आज ना आती, ये चंचल ये हसीन रात, हाय काश आज ना आती, हर दिन के बाद रात है, एक दिन तो ठहर जाती, हर दिन के बाद रात है, एक दिन तो ठहर जाती, कोई हमसे बिछड़ के न जाता, जीने का मजा आ जाता, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। चाचा जी, मेरे बच्चे का क्या होगा, कहाँ रहेगा ये? बेटी, अब तो तुम सचमुच मेरी बेटी बन गई हो,
जहाँ मैं रहूंगा वहाँ ये बच्चा भी रहेगा। आप जब बंबई आए तो इसे जरूर ले आइए। ये तो मेरा पहला फर्ज होगा, और दूसरा फर्ज होगा बंबई पहुंचकर जल्द से जल्द इस उल्लू को मिला दूं इस उल्लू के बाप के साथ। चाचा जी। बेटी शर्म नहीं आती तुम्हें? 3 महीने के अंदर अंदर अपने खानदान के उसूल भूल गए? कब आए तुम? अभी अभी मां। आने का वादा कब था? मैं पूछती हूँ आने का वादा कब था? कल का था मां, सिर्फ 24 घंटे तो देर हुई। माफ कर दो मां। तुम अपने कमरे में जाओ। तुम ये कैसे भूल गए कि कल सुबह तुम्हें आमगढ़ जाना था? ये देखो राजा साहब ने घबरा कर अर्जन तार दिया। माँ ये रिश्ता तुम्हारे पिताजी तय कर गए। लेकिन माँ अगर लड़की पसंद नहीं आई तो? वो राजकुमारी है शेखर। वो तो ठीक है माँ, अगर लड़की बदमिजाज साबित हुई तो? फिर भी वो राजकुमारी है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम 24 घंटे लेट कैसे हो गए। माँ तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा बेटा मरते मरते बचा? हाँ माँ मैं तूफान में घिर गया था, और ऐसा तूफान मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ माँ कि अब मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तुम जानती हो माँ मैं हर वक्त ये दुआ मांगा करता था कि भगवान एक बार मेरी माँ को मुझे फिर से दिखा दे। क्या तुम्हारे दिल को ये खबर नहीं मिली माँ? जबकि मैं तूफान में घिर हुआ तुमको याद कर रहा था, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें माँ। शेखर माँ, शेखर माँ, मुझे तू मिल गई, मुझे अब सब कुछ मिल गया माँ। देखे तुमने शेखर की बदतमीजी, थोड़े दिन कश्मीर रहकर आया बिल्कुल बदल गया। अब वो आम लोगों की तरह हंसने लगा है, छिछुरे बच्चों की तरह नखरे करने लगा है, और जब मैं उस पर बिगड़ी तो माँ कहकर मुझसे लिपट गए। मुझे उसकी यह हरकत बिल्कुल मुझे एक शिकायत अपनी भी करनी है। मुझे उसकी यह हरकत ना मालूम क्यों अच्छी लगी। उसका प्यार से माँ कहकर लिपटना मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे उसूल और बच्चों की तरक्की के लिए मैं अपने दिल की बाजी लगा दूंगी। शेखर जी भाई, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आखिर कब तक माँ अपने बच्चे से अलग रहेगी? मैं आज ही माँ से कह दूंगी कि हम दूर। ऐसी गलती कभी नहीं करना माला। तुम अपनी माता जी को अच्छी तरह जानती हो। कहीं हमारे कलेजे के टुकड़े के साथ कोई नेकी बदी हो गई तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। आखिर कब तक? इस हालत में तो कोई भी खामोश नहीं रह सकता। लेकिन हमें खामोश रहना चाहिए, अपने लिए नहीं सिर्फ बच्चे के लिए। वक्त का इंतजार करो माला, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माने ही वाला है। अम्मा यार इतनी पाबंदी तो कर्फ्यू लगने पर नहीं होती जितनी इस जंगली के ऑफिस आ जाने पर होती। ए, ये मैं ले जाऊं। सुनिट मारो। अरे रवि सर उन लोगों से कहो कि हंसना बंद करें, बड़े साहब के आने का वक्त हो गया है। क्यों जी, हंसना को बुरा काम है जी। आइए जो आप बड़ा साहब को समझाता क्यों नहीं है जी।
तू ये आदमी हो तो उसे समझाऊंगी उस जंगली को। सर आप आज से आप इस कंपनी के मैनेजर नहीं रहेंगे। सर ऐसा न कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। वो सब कुछ मैं नहीं जानता, तो फैसला कर चुका वही होगा। लेकिन सर लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज से आप इस कंपनी के मैनेजर नहीं, मेरे चाचा जी। सर सर नहीं, शेखर कहिए। शेखर? हाँ चाचा जी, दिन रात मेहनत करके आप ही ने इस कंपनी को कामयाब बनाया। शेखर? चाचा जी। अरे यार ये जंगली तो अच्छा खासा आदमी बन गया। आ जा, आ जा, बड़े मजे की बात है। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। अरे आप लोग बैठ जाइए चाचा जी, खाना छोड़कर उठने से खाने की बेइज्जती हो जाती है, यह असूल नंबर एक है। वाह मियां, आह मियां, लजीज खाना इसे कहते हैं। बीवी ने पकाया? जी हाँ, बीवी ने अपने हाथों से बनाया। क्या बात है, खाना बीवी का और यार की है। ये तो बहुत अच्छा दिखता है, घर का पका हुआ लगता है। बिल्कुल घर का मौलाना, ये तो पहले ही अच्छा था, कब वक्त आधा खाना खाओगे। आज तुम अकेले खाना नहीं खा सकती, हम सब मिलकर तुम्हारा खाना खाएंगे। चलो 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 चलो, कम ऑन। चली क्यों आई है? इतनी मेहनत के बाद अगर तुम्हें दो वक्त का खाना नहीं मिलता, इसके लिए तुम्हें नहीं मुझे शर्म आनी चाहिए। ये जो आंसू है ना, ये तुम्हारी आंखों में नहीं मेरी आंखों में होने चाहिए। नो नो बॉस, तुम तो हमको बहुत पे करता है, हमारा तकदीर ही ऐसा है। नॉनसेंस, क्या पे करता है? हर पे करता है, तुम भूखा मरता है। इस महीने से तुम्हें 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यस थैंक यू बॉस। तेरे की थैंक यू कहा भी तो रोते हुए। स्माइल, मुस्कुराओ। आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल स्माइल है। नाउ कम ऑन स्माइल, 1 2 4। ओ ला ला, हेलो, कौन? मैनेजर, शेखर खाना खाने क्यों नहीं आया? जी आज उन्होंने यहीं खाना खा लिया है। यहाँ? यहाँ कहाँ? जी हम सब लोगों के साथ। मालूम होता है वो पागल हो गया। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, तुम शेखर को लेकर ठीक 5 बजे घर आ जाओ। जी। और सुनो, रामगढ़ के लिए कल सुबह के गाड़ी से एक सीट बुक कर दो। जी बहुत अच्छा। गुड इवनिंग। ओह गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग। टेलीफोन आया था, बताया शेखर का दिमाग खराब हो गया। आखिर करता क्या है? जी कोई खास बात तो नहीं है, वैसे जरा काट वाट लेता है। ओ काट काट लेता है? जी हाँ, आज सुबह एक नौकर की गाल काट खाई, बेचारे का आधा गाल बिल्कुल गायब हो गया। जी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। बेटा शेखर। हेलो डॉक्टर अंकल, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। देखो बेटा, काटना बुरी चीज है और तुम्हें तो मालूम है कुत्ते के काटने से आदमी पागल हो जाता है। लेकिन अंकल आप ये नहीं जानते कि पागल के काटने से आदमी मर जाता है। हाँ। तो तुम्हें फंस गया बुरी तरह। क्यों, आपको किसी पागल ने काटा है क्या? काटा नहीं है, मगर डर है कि कहीं काटना। आप भी अजीब है अंकल, आप ऐसी जगह जाते ही। अब मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा? हाँ, मेरा मतलब है नहीं जाऊंगा। ये क्या है अंकल? ये कुछ नहीं, वो टेबल पर पड़ा था, ये वो मेरे हाथ में आ गया। शेखर तुम्हें याद है बेटा, जब तुम छोटे से थे मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम्हारी माँ से छिपाकर तुम्हें लॉलीपॉप खिलाया करता था। हाँ अंकल, और मैं भी अपने छोटे छोटे दांतों से आपके मोटे मोटे गालों को प्यार से काट लिया करता था। तो बड़ा हो गया तो क्या, आज मेरा जी चाहता कि आपको वैसे ही प्यार करूं। नहीं नहीं, मुझे बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, मेरे तमाम बदन में खुजली है, मेरे गालों में भी। अरे अंकल, चिल्लाने की क्या बात है,
किसी पागल के चक्कर में आकर आपके सारे नर्व खराब हो गए। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाऊंगा। चलिए चलिए, बैठिए, लेट आइए, चलिए लेटिए, आंखें बंद कीजिए। अरे आपको हुआ क्या है, आप ऐसे घबराए हुए? यहाँ कोई पागल नहीं आ सकता, सबसे बड़ा पागल यहाँ मैं हूँ और मेरे काटने से पागल भी मर जाते हैं। अरे बाप रे, तो तुम मुझे, अरे अरे डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, अरे देखिए डॉक्टर अंकल, मेरा मेरा आपकी तबीयत बाकी खराब, अरे आप जाइए, आप देखिए आराम कीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, आप फिलहाल लेट जाइए। शेखर आप भी अजीब है, अंदर डॉक्टर अंकल की तबीयत खराब है और आप इधर हंस रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने उनसे मजाक से कह दिया था कि तुम पागल हो गए हो और लोगों को काटते हो। डॉक्टर साहब हंस रहे थे माँ। डॉक्टर जी, डॉक्टर मैंने उन्हें मना भी किया। अजीब डॉक्टर है माँ, थोड़ी देर तो हंसता रहा, फिर रोना शुरू कर दिया, रोते रोते फिर हंसने लगा, फिर हंसते हंसते ये कहकर भाग गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल, बिल्कुल पागल। मैनेजर जी, आमगढ़ से टिकट आ गए? जी टिकट तो मैं सुबह ही ले आया था, लेकिन माँ आज ही तो मैं कश्मीर से आया हूँ, आमगढ़ कैसे जाऊंगा? ट्रेन से। माँ आज नहीं, थोड़े दिन बाद। राजकुमारी सारी जिंदगी तेरा इंतजार नहीं कर सकती, आखिर कब तक शादी नहीं करेगा? लेकिन माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है? 25 साल। मैनेजर ट्रेन किस वक्त जाती? जी सुबह 8 बजे। माँ मैं नहीं जाऊँगा, माँ प्लीज। हाँ कह दो ना। नहीं प्लीज माँ, मैं नहीं जाऊँगा प्लीज। आखिर तुमने समझ क्या रखा है, मैं जिंदा हूँ या मर गई? माँ ऐसा मत कहो, माँ भगवान तुम्हें हमेशा जिंदा रखे। मैं जाऊंगा माँ, मैं जरूर जाऊंगा। अब हंस दो माँ, हंस दो। चंद्रशेखर पिताजी, सब बंदोबस्त हो गया, सब बंदोबस्त हो गया। मैंने शेखर के ठहरने का इंतजाम होटल गुलमोहर में किया है। क्या होटल गुलमोहर? हाँ हाँ, वो अपना छज्जू है ना, उसके हमने 50,000 रुपए देने हैं। मैंने उसको कह दिया कि अगर ठहरने नहीं दोगे तो पैसे गए। फिर वो माना? आज ही उसका बाप भी मानता। मगर वो मोटर का क्या होगा? कल से मैंने एक सेठ के ड्राइवर की नौकरी भी कर ली है। शाबाश, आखिर बेटे किसके हो। थैंक यू पिताजी। आप ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होंगे कि मैंने अपने तमाम कर्जदारों को पार्टी में बुलवा लिया है और वो अपनी अपनी शानदार पोशाकें पहनकर हमारी पार्टी में हाजिर होंगे। अच्छा, आप देखते तो जाइए कि महफिल का क्या रंग जमाता हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गया जो महफिल में उनकी एक दिन, गया जो महफिल में उनकी एक दिन, अजब तमाशा ये मैंने देखा। सितारे चारों तरफ है छिटके, जमीन पे है चांद चौधरी का। तो साहिबान, अब आप इस चौधरी के चांद के ऑनर में मिस सुक्कू का नाज मुलाहजा फरमाएंगे। मिस सुक्कू। Thank you.
अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। मस्ताना कहे कोई दीवाना कहे कोई परवाना कहे जलने को बेपरार, चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार, अय्या सुकू सुकू, अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, अय्या सुकु सुकु। चौंको मत ऐ दोस्त तो यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो, हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो, अय्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। मेरी आंखों में नशा मेरी बातों में नशा मेरी सांसों में नशा, बहका मैं बिन पिए घुटती घुटती बेबसी, सहमी सहमी हर घड़ी, बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए, अय्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, ये है कि ऐसा करोड़पति पागल भगवान हर लड़की को दे। मैनेजर साहब अब आप जा सकते हैं। जी बेहतर बैठ। पसंद आई राजकुमार? नजर आती है माँ, रात को सूरज और दिन को चांद नजर आती है। आंखें कैसी? क्या कहने माँ क्या कहने, अंधों को नजर भर कर देख ले तो आंखों में रोशनी पैदा हो जाए। राजकुमारी जो ठहरे। और लोग कैसे हैं? लोग मत कहो माँ, लोग मत कहो, फरिश्ते कहो, फरिश्ते।
राजा महाराजा ऐसे ही हुआ करते हैं। उन फरिश्तों को तुम कैसे लगे? कहने लगे कि लड़का चेहरे मोहरे से तो अच्छा मालूम होता है, कद भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, लेकिन मिलने जुलने से कुछ कुछ क्या? कुछ पागल मालूम होता। पागल मालूम होते? मैं तुम्हें 25 साल में नहीं समझ सकी और वो तुम्हें चंद घंटों में ही समझ गई। क्या मतलब? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझता क्या? माँ, प्यार से कोई 24 घंटे पागल नहीं कहता। खाना खाओ तो पागल, बात करो तो पागल। जानते हो चलते चलते उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहने लगे? तुम खानदानी पागल हो। गोली नहीं मार दी तुमने? गोली? माँ, बस चलता तो गोल्ड मेडल देता उन्हें। काबिल जो ठहरे, कुछ घंटों में मुझे पहचान लिया। खामोश। माँ, गुस्सा क्यों करती हो? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझती। ऐसे प्यार से कहने वाले की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। मैंने तो चाहा माँ, और मैं आगे बढ़ा भी, लेकिन माँ, राजकुमारी की गर्दन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल नूर के सांचे में ढली हुई। चंद्रशेखर, मैं उस राजकुमारी का नाम भी सुनना नहीं चाहती। यहाँ आकर शादी के बाद पक्की कर जाए। डॉक्टर नहीं, एकदम इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर। बिल्कुल, तुम्हारी हर बात और हर अदा से रौद और रुतबा मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। मैनेजर साहब, आप घबराइए नहीं, मैं जाते ही पूरे खानदान के नाक में दम कर मारूं। गलेपन की बात मत करो, माँ जी का गुस्सा तुम्हें मालूम नहीं है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम नकली डॉक्टर हो तो एकदम गोली सुंघा दिए जाओगे। अरे बाप रे, तो मैं डॉक्टर नहीं बनता मैनेजर साहब। तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? जी जी मैनेजर साहब। तो जाओ मेकअप करो। ओके सर। Thank you.
सीरियस केस। क्या बुखार? बुखार? बदन तो बिल्कुल ठंडा है। ठंडा है? हे यस यस, ये विलायत का बुखार है। ऊपर से ठंडा, अंदर से गर्म। आपके माफिक हाई टेम्परेचर। थर्मामीटर लगाने से मालूम हो जाएगा? यस यस। हम सिर्फ अपना थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। भोला, थर्मामीटर। पानी, पानी। एक सौ चार डिग्री बुखार, 104 टेम्परेचर। ये क्या बीमारी है डॉक्टर? हिंदुस्तान में पहली दफे देखा ऐसी बीमारी। द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द ग्लैंडुलर सिस्टम ऑफ लंग, यानी के प्यार का बुखार। प्यार का बुखार? अजीब बीमारी है। बिल्कुल अजीब, पिक्यूलियर, वेरी पिक्यूलियर। इसका इलाज डॉक्टर? टेढ़ा बुखार, टेढ़ा इलाज। मरीज से कोई प्यार न करे, जिनको मरीज से प्यार है उसके पास न जाए। मरीज से सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर? शायद मैं कुछ एग्जामिन करना भूल गया। बुखार टांग की हड्डी में जा पहुंचा है। और मारो बेटा, ले जा ले जा। इतना सारा फूट किस बेवकूफ ने लाने के लिए बोला? आप ही ने डॉक्टर साहब। यस यस, मैंने। पराठा पसंद है? हलवा अच्छा लगता है? रसगुल्ला। ये सब खाना इसके लिए? ये नहीं, हम खाएगा इसको दिखा दिखा कर। यही इसका बीमारी है, यही इसका इलाज है। भाजी? ओ, भाजी के साथ खाएगा। थैंक यू। प्लीज हाथ के जोड़ा। थोड़ा हलवा? थोड़ा नहीं, सब खाएगा। माँ, मैं भी खाऊंगा। नो, तुम कौन सुनो बोलने वाले? व्हाट? तुम सुनता है तुम हमारा इंतजार करेगा, तुम यहां से भाग जाएगा? नो नो, नेवर। ड्यूटी फर्स्ट। माँ, डॉक्टर साहब की फीस दे दो। माँ, नो मैडम, हमारा वेट कहीं नहीं जा। देखो, ये सब खाना मैंने अपने लिए मंगवाया है। तुम खाएगा तो तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। इलाज क्या जहन्नम में? हाँ, गुलाब जामुन तुम्हारा बाप खाएगा। ये सलूक, ये नानसाफी, तो मैं डॉक्टर करोल नहीं करता। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तुम ही मान जाओ ना, समझौता कर लो। क्या समझौता? मतलब ये कि आधा तुम खा लो, आधा ये खा ले। अरे नहीं, तो मैं जाता हूँ। नो, प्लीज मान जाओ। वेरी वेल, मैं दो पराठे और एक गुलाब जामुन पर समझौता करने के लिए तैयार। और मैं तुम्हें एक टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं। ये बात है तो मैं जाता हूँ। माता जी आ रही। मैडम, आपसे कुछ बात करना है। वर्सेस, तुम कैसा नर्स है? जैसा तुम डॉक्टर। व्हाट? मरीज के सामने बैठ के खाएगा, उसको दिखा दिखा कर। बैठिए।
देखिए मैडम, मरीज की कंडीशन बहुत सीरियस है, मैरिज होना नहीं मानते, पांच साल तक। लेकिन डॉक्टर, उसकी शादी तो होने वाली है। ना 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 ना, इट इज इम्पॉसिबल, हरी सिंह। आपको बच्चे का जान तारा है या शादी? लेकिन डॉक्टर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, शादी होने से जान बचाना मुश्किल है। हाँ? है? पिताजी, पिताजी, शेखर की माँ का तारा आया, शेखर बीमार है, ये शादी पांच साल तक नहीं हो सकती। पांच साल? जी हाँ। पहले शेखर पागल बनने की कोशिश कर रहा था और अब बीमार बन रहा है, इसमें जरूर कोई चाल है। कहीं उन्हें हमारी असली हालत का पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ये बात नहीं, अगर ऐसी बात होती तो शादी से साफ इनकार कर देते, तो हमें फौरन बंबई चलना चाहिए। ये शादी होगी और अभी होगी, उन्होंने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं अपनी जागीर को जिंदा करने के लिए जान तक की बाजी लगा दूंगा। माला, देखिए तुमने राज की बेवकूफ को तार दिया है कि आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लिखा। भैया, क्या कमाल की खुशखबरी सुनाई है, जर मुंह खोलो तो। हाँ, अरे घबराती क्यों हो, कहीं भी आए, हम दोनों को मिलने जरूर आएगी। ओ, मिलने जरूर आएगी, और कहीं माता जी से पहले मिलकर कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो हमारा सारा मामला। शेखर, तुम यहाँ हो और मैं डॉक्टर को लेकर तुम्हारे कमरे में गई। ओ माँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। ओ ना 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 ना, तुमको आराम करना मांगता है या लुकिंग पेल? एम आई लुकिंग पेल? Yes. शुगर एक महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा, याद रखना। नो नो, यू आर ऑलराइट मैडम, ही इज फर्स्ट क्लास, ऑलराइट। अच्छा, तो फिर मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ और शादी की तारीख पक्की किए देती हूँ। माँ, मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि सिलसिले में आप डॉक्टर साहब की राय ले लें। मैं जाता हूँ ऑफिस। डॉक्टर साहब? यस। क्या राय है आपकी? वेरी गुड न्यूज, शादी यानी मैरिज का नुस्खा तो हर बीमारी का मेडिसिन है। मैडम, हम अपने बारे में भी आपका एडवाइस मांगता था। आई हैव फॉलन इन लव विद अ गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइक शुगर एंड हनी। डॉक्टर, यस, आप जा सकते हैं। ओके, यस मैडम। वो लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की किए देती हूँ। आजकल तो कश्मीर में काफी सर्दी है। माफ कीजिए राजा साहब, मैं जरा शेखर को टेलीफोन कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माला जी, तुम राजकुमारी को कोठी के सैर कराओ, मुझे जरा राजा साहब से जरूरी बातें करनी। अच्छा माँ, आइए राजकुमारी जी। मैं जरा घबरा सी गई थी कि शेखर ने ऐसी कौन सी हरकत की जो आप लोगों ने उसे खानदानी पागल समझा। जी नहीं तो, शायद उसने मजाक से कहा होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। राजकुमारी की तो बहुत तारीफ करता है। बच्ची आप ही की है। तो फिर बात पक्की समझो राजा साहब। जी सोले आने पक्की। लेकिन ये आप मुझे राजा साहब क्यों कह रही हैं? आप राजकुमारी के पिता हैं इसलिए। ओह, इस रिश्ते से, शुक्रिया शुक्रिया। आप राजकुमारी को मेरे पास छोड़ते जाएं तो कोई हर्ष तो ना होगा। जी कोई हर्ष की बात नहीं, बड़े शौक से रख लीजिए। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर झुकाने का क्या मतलब हुआ? मैं झूठ कह रही हूँ? तुम सचमुच खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। जी। इस जी का क्या मतलब हुआ? जी हाँ या जी नहीं? जी जी हाँ। क्या जी हाँ? जी मैं खूबसूरत हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। आओ मेरे साथ।
तुमने आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। जरा गौर से देखिए कितनी खूबसूरत आंखें हैं बहू की। खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। चढ़ते हुए सूरज जैसा रंग गहरा है, जिस घर में भी जाएगी चार चांद लगा देगी। इसके आते ही मेरा शेखर अच्छा हो, कितने मुबारक कदम है इसके। बहुत। तुमने कुछ सुना बेटी? जी हाँ, मैं जानती हूं स्वामी, आत्मा का संबंध हमेशा रहता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और आत्मा को जिंदा रखने के लिए जिंदगी में हंसना निहायत जरूरी है, ये मैंने मरने के बाद महसूस किया। ये तू बोल रहा है? मेरे रूप में पिताजी की आत्मा बोल रही है। शेखर, शरीर कहीं का, जाओ यहाँ से। जी, देखो तुम सिर्फ इसकी बीवी ही नहीं, इस घर की बहू बनकर आ रही हो, और इस घर की बहू बनना बड़ी खुशकिस्मती की बात समझी जाती। नहीं माँ, सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात तो ये है कि आज मुझे मेरी माँ मिल गई। जीती रहो। कहिए। शेखर साहब की मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुआ था। लेकिन शेखर साहब घर पर नहीं है। है? मैंने तो सुना था उनकी तबीयत नासाज है। कुछ अंदाजा है आपको कि कहाँ मिल सकेंगे इस वक्त? मेरा ख्याल है वो राजकुमारी जी से मिलने जू वाले बंगले पर गए होंगे। हम आपके बुलाइए, राजकुमारी जी कौन है? राजकुमारी जी को आप नहीं जानते? उन्हीं के साथ तो साहब की शादी होने वाली है। शुक्रिया शुक्रिया। आप डॉक्टर हैं, समझ सकते हैं, अब मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं रात को सो नहीं सकता, बगैर बच्चे के मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब, पिताजी इनको कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दीजिए ना। आप समझते क्यों नहीं, मैं बच्चे को घर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। ले 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 ले, ये मेरे दिल की पुकार है, ये कुदरती बात है। कुदरती बात तो ये है साहबजादे कि आप माताजी से जाकर सारी बातें कह दें। डॉक्टर साहब, आप माताजी को नहीं जानते, अगर उन्हें बच्चे की भनक मिल गई तो खैरियत नहीं मेरे बच्चे की। और अभी आप मुझे भी नहीं जानते, ये अब सिर्फ माला की इज्जत का नहीं, मेरी मोहब्बत और मेरे वचन का सवाल बन गया है। मेरी जान जा सकती है लेकिन बच्चे पर आंच नहीं आ सकती। जो हमने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। शेखर धोखे से शादी कर रहा है। घर वाले ये समझते हैं कि लड़की राजकुमारी है, लेकिन दरअसल वो एक डॉक्टर की लड़की है। दोनों मिलकर माँ की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। पिताजी, हम शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जो चीज आसानी से नहीं मिल सकती उसे जबरदस्ती हासिल करना जानते हैं। तुम ठीक कहती हो बेटी, हमें शेखर की माताजी से फौरन मिलना चाहिए, ताकि उनको मालूम हो जाए कि असली राजकुमारी कौन है और नकली कौन। नमस्ते जी। एक्सक्यूज मी, वन मोमेंट। आइए आइए, तशरीफ लाइए, मैं आपको लड़ने में बैठाता हूँ। मैं आप लोग कब आए हैं? मैं अभी माता जी से कहता हूँ कि आप लोग। शेखर, आप लोग कौन हैं? माँ, ये मेरी माता जी। नमस्ते। पहचाना नहीं आपने मुझे? मैं आमगढ़ का राजा हूँ, ये मेरी लड़की है। शेखर आमगढ़ आया था, एक ने दूसरे को बहुत पसंद किया। ये राजकुमारी, तो फिर वो लड़की कौन है? जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। कौन है ये लड़की? माँ, राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? मैं पूछती हूँ कहाँ की राजकुमारी? माँ तुम घबरा नहीं, मैं तुम सब कुछ समझा दूंगा। पर मुझे ऐसा मालूम होता है आपकी कुछ जरूरत पड़नी।
मैं कहीं की राजकुमारी नहीं, मेरा नाम राजकुमारी है। और तुम्हारे पिता? वो डॉक्टर है। शेखर को पहली बार तुम कहाँ मिली? कश्मीर में, जब माला बीमार हुई थी। तो माला की बीमारी के पर्दे में तुम लोगों ने ऊंचे ऊंचे घराने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कैसे ख्वाब? जो गरीब अमीर बनने के लिए देखा करते हैं। माँ मेरी बात तो सुनो, दरअसल कसूर मेरा है, माँ इस गरीब का नहीं। ऐसे गरीबों ने न मालूम कितने शरीफों के घर तबाह कर दिए। माफ कीजिएगा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शरीफों का खून हमारी रगों में भी। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम राजकुमारी रख दिया, ताकि तुम दुनिया भर को धोखा दे सको। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते, किसी को धोखा नहीं देते और न किसी को घर बुलाकर जलील करते। तुमने बहू को आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। बहू की आंखें कितनी खूबसूरत है, और खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। देखो, इस घर में तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं, सारे खानदान की बहू बनकर आ रही। शेखर, जिस घर में चाहेगी चार चांद लगा देगी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मर गया और उसकी राख में से एक नया चंद्रशेखर पैदा हुआ, जो कि पत्थर नहीं इंसान है। इंसान वो है जिसकी जिंदगी के कुछ उसूल हो, जो गिरी हुई हरकतें न करता। इंसान गिर सकता है, असूल झुक सकते हैं, खानदान तबाह हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले दिल न झुके हैं और न कभी झुक सकते हैं। पूरी बात तो बता, आखिर हुआ क्या है? शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैं जाके पूछ लूं। पिताजी, अब उस घर आने की कोई बात नहीं होगी, और अगर आपने भी वहां कदम रखा तो मैं आपसे झगड़ा कर लूंगी। ओहो, इतना गुस्सा? गुस्सा? मेरा तो दिल चाह रहा है एक आध का खून कर डालूं। मैं हाजिर हूं, शौक फरमाइए। पिताजी, इनसे कह दीजिए फौरन दफा हो जाए, मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती। पिताजी, इनसे पूछिए मेरा कसूर क्या है। माताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर रखी थी, इत्तफाक से वो लोग आज घर पे आ गए। बताइए मैं क्या करता? सच तो है, बेचारा क्या करता? बेचारा? ऐसे बेचारे को जहर दे देना चाहिए, बुजदिलों की तरह खड़े रहे। ये भी मुंह से ना निकला कि मुझसे प्यार करते, मुझसे शादी करना चाहते। राज जरा सोचो। अच्छा भाई, मैं यहाँ से जाता हूँ, अब तुम जानो और ये जाने, जब एक आध का सर फूट जाए तो मलहम पट्टी करने मुझे बुला लेना। देखो राज, मेरी बात, राज मेरी बात तो सुनो। राज, तुम चले जाओ। राज मेरी बात, मैं कहती हूँ चले जाओ। राज तुम समझने की कोशिश नहीं करो। जाओगे? नहीं जाऊंगा। ये क्या बदतमीजी? राज ये बचपना छोड़ दूंगा मेरी। एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना
उठाया रोने कहोगे रो लेंगे अब रोने कहोगे रो लेंगे आंसू का हमारे गम न करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर चाहे बना दो चाहे मिटा दो चाहे बना दो चाहे मिटा दो मर भी गए तो देंगे दुआएं मर भी गए तो देंगे दुआएं उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर जहान झूमे आ माँ तुम अभी तक सोई नहीं और शायद अब कभी ना सो सकती उस माँ को नींद कैसे आ सकती जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज वही बेटा ये कह करके चला गया कि वो उसके लिए मर चुका है माँ तुम समझती क्यों नहीं मैं उस लड़के से मोहब्बत करता हूँ माँ मैंने उसे शादी का वचन दिया है और उस वचन का क्या होगा जो तुम्हारे पिताजी बचपन से कहीं और दे चुके मैं उस वचन के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता माँ और उस वचन के खातिर मैं अपनी जान दे दूंगी शेखर माँ तुम ये नहीं कर सकती माँ तो फिर तू इस लड़के से शादी नहीं कर सकता तुझे इसे हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा मुझसे ये ना होगा माँ तुम जिद ना करो अगर तेरी यही जिद है और मेरी जान से ज्यादा तुझे इस लड़के की मोहब्बत प्यारी है तो याद रखना शेखर एक तरफ तेरी इस लड़के से शादी हो रही है और दूसरी तरफ तेरी माँ की लाश इस घर से उठ रही है माँ मेरा ये आखिरी फैसला है शेखर माँ तुम मेरी जिंदगी से सारी खुशियां क्यों छीनना चाहती हो कहो माँ तुम ऐसा नहीं करोगी ना बोलो माँ तुमने सब ये गुस्से में आकर कह दिया ना बोलो माँ शेखर जो कह दिया है वो करके दिखाऊंगी अच्छा माँ अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगी अगर मां तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं
जिंदगी में किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं शेखर की माताजी से मिलकर आ रहा हूं। खबरें बहुत खराब है, शायद ये शादी काफी अरसे के लिए रुक जाए। क्यों पिताजी? वजह क्या है? वजह है और मेरे ख्याल में सच है। वो कहती हैं कि वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब तक शेखर के दिल में उस लड़की की मोहब्बत है ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन जब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे पिताजी, कर्जदार और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। रियासत पहुंचते ही हमें हथकड़ियां लग जाएंगी। भैया, अगर हम किसी तरह शेखर के दिल में उस लड़की की तरफ से नफरत पैदा कर सके तो
तो ये काम मिनटों में हो सकता है। क्या कहा? नफरत पैदा कर सके? जीनियस टच। चलो मेरे साथ। तुम लोग कहां जा रहे हो? कुछ अपना भला करने और कुछ लोगों का। चलो। मैंने शेखर को टेलीफोन कर दिया है, आओ मेरे साथ। देखिए मेरा तो कुछ भला होता नहीं, मैं तो सिर्फ आप ही लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन ये बच्चा मेरी बेटी का हरगिज नहीं है, हम कैसे ये बात मान सकते हैं? तो हुजूर फिर मुझे मजबूर होकर कह देना पड़ेगा कि बच्चा किसका है। किसका है? जिसका है उसका, माला का। एक शरीफ औरत को बर्बाद करके आपका क्या फायदा होगा? फायदा तो कोई खास नहीं होगा, यही के दो चार आदमियों का खून होते हुए देखने को मिलेगा। माता जी आएंगे, माला को मार डालेंगे, बच्चे को मार डालेंगे, और हो सकता है शेखर भी मार। ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। जी मैं ऐसा कर सकता हूँ और जरूर कर सकता हूँ। तुम बहुत ही नीच और जलील आदमी हो। जी नहीं, मैं सिर्फ नीच और जलील हूँ, आदमी नहीं। शायद माता जी आ गई। याद रहे ये बच्चा तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। कहिए। सच सच बताइए, ये बच्चा किसका है? आप क्या समझती हैं? राजकुमारी का कहना है कि ये बच्चा इसका है। और आप मान गए ये बच्चा इसी मासूम का है? यही पूछने के लिए यहाँ आए हैं कि कश्मीर से बंबई किस तरह आया और इस बच्चे से आप लोगों का क्या नाता है? नाता तो बहुत कुछ है, मगर अफसोस ये है कि जवाब नहीं दे सकता। तो आप मानते हैं कि बच्चा आपकी बेटी का है? जवाब क्यों नहीं दे? आप जवाब दे भी नहीं सकते। आपको मानना पड़ेगा कि बड़ा घराना देखकर आप लोगों ने मेरी बेटी को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भगवान ने और मेरे घर के वसूलों ने मेरी रक्षा की, वरना ये जलील और गिरी हुई लड़की मेरी बहू बनकर आ गई और हमारा खानदान हमेशा के लिए तबाह हो गया। भगवान की सौगंध, अब मुझसे खामोश नहीं रहा जाता। नहीं पिताजी, नहीं, मैं इन्हें जवाब दे देती हूँ। हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। सुन लिया माता जी आपने? मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, और अब ये भी पता चल चुका है कि तुम्हें कौन सी चीज यहाँ खींच लाई है। वो है दौलत जिसके तुम भूखे हो। ये रहा 1,00,000 रुपया, लो और अपना मुंह काला कर। माँ, शेखर देख इस लड़की की तरफ, ये वही लड़की है जिसके लिए तू अपनी माँ को छोड़ रहा है, ये वही लड़की है जिसके लिए तू अपने घर से नाता तोड़ रहा है, ये वही लड़की है जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तुझे अपने जाल में फंसा रही है। माँ, ये वही जलील लड़की है जो एक बच्चे की माँ बन चुकी। ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। शेखर, ये इस बात को कबूल कर चुकी है तो खुद पूछ कर देख ले। राज, मैं कह चुकी हूँ ये बच्चा मेरा ही है। नहीं राज, नहीं, तुम जरूर कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ राज, सच बताओ। तुझे यकीन क्यों नहीं आता शेखर? माँ, इतना यकीन है राज पर मुझे, शायद अपने आप पर भी नहीं होगा। नहीं माँ, ये बच्चा राज का नहीं हो सकता। ये बच्चा मेरा है शेखर। यही बात है? मेरे हाथ पे हाथ रखकर कसम खाओ, बोलो ये बच्चा तुम्हारा? कसम क्यों नहीं खाती? खामोश क्यों हो गई? मैं तो देखती क्यों नहीं? बोलो,
राज, नहीं राज नहीं, प्यार करने वाले के हाथ में हाथ देकर झूठी कसम नहीं खाया करते। कह दो कि ये बच्चा किसका, लेकिन एक शरीफ के मुंह से दूसरों का भरम निकलेगा भी कैसे। मां, ये बच्चा मेरा है। क्या, ये बच्चा तेरा है? हाँ, लेकिन जन्म दिया है तुम्हारे उन उसूलों ने, जिनमें ऊंच नीच गरीबी अमीरी और झूठे शान शौकत के हजारों गहरे लिखड़े छिपे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मोहब्बत में अंधी बनकर खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगा दे, बगैर शादी के इस पाप के निशानी को जन्म दे दे। जिसे आप पाप की निशानी समझ रही, वो पाप की निशानी नहीं। हम दोनों ने छुपकर शादी की थी और आपके घर से आज तक नहीं गए, लेकिन मजबूरन मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा हमारा है, मैं इसका बाप हूं। तुम झूठ बोल रहे। जी नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अगर यकीन ना आए तो देख लीजिए शादी का सर्टिफिकेट, 2 साल पहले हम लोगों ने शादी की थी। माना, तूने चोरी छुपी शादी की और वो भी इस गरीब और गिरे हुए इंसान से। गरीब लोग भी शरीफ होते हैं माँ, उनका भी दिल होता है, कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। अगर तुमने इंसानियत को गरीबी और अमीरी के तराजू से न तोला होता माँ, तो माला की शादी बड़े धूम से घर में मनाई जाती, शहनाइयां बजती माँ, शहनाइयां बजती। और शादी के उन शहनाइयों में खानदान के उसूलों का दम घुटता हुआ नजर आता, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलती हुई नजर आती। माला का ये कसूर मैं कभी माफ नहीं कर सकता। कसूर और वो नहीं माँ, तुम सारी जिंदगी अंधी बनी रही। तुमने हमेशा अपने खून की बड़ाई की, तुमने हमेशा अपने खानदान के गलत असूलों को गीता और रामायण से भी ज्यादा पवित्र समझा। आज तुम्हें मालूम हो गया होगा माँ कि सही असूल तुम्हारे खानदान में नहीं, इन गरीबों में है। तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियों को निछावर कर रहे हैं। और उस दलील लड़की को देखो, जानते हो कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, जानते हो कि मुझे उसकी सूरत से भी नफरत है। सिर्फ पैसे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर दूसरों की खुशियां छीन रही है। कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करे, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। तुमने ठीक कहा शेखर बाबू, पैसे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर ये 1,00,000 रुपया शादी तोड़ने का हर जाना और 1,00,000 रुपया और दूसरों के सपने तोड़ने का हर जाना शायद तुम्हारे पास अभी ना हो। ये लो, पर तसद कर दो। ठहरो, हमारे घराने का उसूल है किसी का कर्जा नहीं रख। ये ले, दे दे 1,00,000 रुपये। माता जी और ग्रे, हमारे खानदान के उसूल के खिलाफ। We'll be right back.
राज जाओ शेखर को बुला ला, कहना मैंने बुलाया है। लाओ मुझे तो। आहा कहता रहे